गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास का शुरुआत कर रहा हूँ और सबसे पहला जो अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे याद है हमारे कई स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछा गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इन जनरल स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छा उत्तर देने के चक्कर में कुछ ज्यादा बोल देते हैं और नतीजा क्या होता है कि जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला जाता है। तो जब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप क्या बोलोगे? मुझे याद आता है एक हमारा विद्यार्थी जो पिछले दफा डीएसपी बना, उसे इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसने बताया, सर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल पब्लिक स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर। हिंदी में कि सर समान अर्थ में लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकार होता है, इस दृष्टि से लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी प्रशासन हुआ जिसमें नागरिक महत्व के कार्यों को मैनेज किया जाता है, निष्पादित किया जाता है। तो जैसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक और बीपीएससी में पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन भी कई दफा आया, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद उसमें दूसरा टेल भी लगा रहता है, जैसे रहता है लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र और महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो खैर अभी उस टॉपिक पर मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं केवल आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक व्यापक अवधारणा है और उसी में पब्लिक जुड़ जाने से उसका संदर्भ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अगर उसके साथ में प्राइवेट जोड़ देता तो वह प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता, जो आपका एक सिलेबस में टॉपिक भी है, रिलेशन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं ये कह रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिस्टेड ऑफ टू वर्ड्स, लोक प्रशासन दो शब्दों के योग से बना है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लोक और प्रशासन। तो इस शब्द को भले भांति ढंग से समझने के लिए इन दोनों शब्दों को समझना आवश्यक है। टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स प्रॉपरली। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, ताकि फिर पब्लिक को जोड़कर उसे समझा जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, देन आफ्टर वी विल डिस्कस व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप जानते हो प्रशासन प्रा और सास दो शब्दों के योग से बना है, प्रा और सास, प्रा संस्कृत भाषा में प्रा और सास दो शब्द के योग से बना है। प्रा का अर्थ होता है श्रेष्ठ और सास का अर्थ होता है शासन करना, सत्ता का प्रयोग करना, प्रभुत्व स्थापित करना इत्यादि। इस प्रकार प्रशासन का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ ढंग से शासन करना, सत्ता का प्रयोग करना, प्रभुत्व करना इत्यादि, ठीक है। प्रशासन का अंग्रेजी क्या होता है? प्रशासन का अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन का अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो लैटिन शब्द किससे बना है? एडमिनिस्ट्रेयर से बना है, जो लैटिन शब्द एडमिनिस्ट्रेयर से बना है, ये लैटिन शब्द है, क्लियर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन शब्द एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन शब्द एडमिनिस्ट्रेयर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना, प्रबंध करना, देखभाल करना इत्यादि, प्रबंध करना, देखभाल करना इत्यादि, मामलों का निपटारा करना इत्यादि। इयान ग्लेडन कहते हैं कि प्रशासन शब्द सुनने में बड़ा व्यापक लगता है, बड़ा अलंकृत लगता है, लेकिन होता है इसका अर्थ बहुत ही सौम और सहज होता है, कार्यों को प्रबंध मैनेज करना, कोई निर्दिष्ट लक्ष्य उसे प्राप्त करना वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया प्रशासन वर्चुअली कहते हैं किसको है? प्रशासन वर्चुअली एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं, अगर इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें कि प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें उसका ढांचा, जिसमें उसकी प्रक्रिया, जिसमें उसका व्यवहार तीनों सम्मिलित होता है। जैसे हम जिला प्रशासन बोलते हैं तो जिला प्रशासन का ढांचा, जिला प्रशासन की प्रक्रियाएं और जिला प्रशासन में संपन्न व्यवहार तीनों सम्मिलित होता है। तो जब हम प्रशासन को थोड़ा व्यापक अर्थ में लेंगे तो प्रशासन में हम उसके ढांचा यानी संरचना, उसकी प्रक्रिया और उसके व्यवहार तीनों को शामिल करेंगे, स्ट्रक्चर,
यू कैन से प्रोसेस और फिर बिहेवियर, ये तीनों चीज जो है ना अलग अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर स्ट्रक्चर बड़ा तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड और बिहेवियर उसी हिसाब से कम्बरसम होते हैं। अगर स्ट्रक्चर छोटा तो प्रोसेस भी सिंपल और बिहेवियर सिंपल होते हैं। समझ रहे हैं? प्रशासन जब बोलते हो तो उसमें संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार तीनों शामिल होते हैं। दूसरे क्या होता है, जब आप प्रशासन बोलते हो तो इसमें मानव संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों इस्तेमाल होते हैं। मानव संसाधन मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑल आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल आप सिविल सर्विस में जा रहे हो तो आप क्या कॉन्स्टिट्यूट करोगे, तो आप मानव संसाधन कॉन्स्टिट्यूट करोगे। और जो हम लोग टैक्स देते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास है वह भौतिक संसाधन में सम्मिलित होता है। तो दोनों इस्तेमाल होते हैं और दोनों के हिसाब से क्या करते हैं इसमें। दिस इज नॉट वन मैन फिनोमिना, या एक व्यक्ति का क्रियाकलाप नहीं है, मतलब क्या है, ये कोऑपरेटिव एंडेवर है, कह सकते हो इट इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस समझ रहे हो, कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स समझ रहे। जब आप प्रशासन बोलते हो तो इसमें सामूहिक संबंधित प्रयास, और लास्ट क्या होता है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति, एक लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति करना है। व्हेन यू टॉक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कह सकते हैं प्री डिटरमिंड गोल। तो इस मतलब क्या समझ में आया आपको, जब आप प्रशासन बोले तो प्रशासन में मानव संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार दोनों शामिल हुआ, प्रशासन में मानव और भौतिक संसाधन दोनों सम्मिलित हुआ, प्रशासन में पूरे एक समूह का क्रियाकलाप सम्मिलित हुआ, और प्रशासन का एक लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त किया जाना होता है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो, व्हेन वी टॉक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वी टॉक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑल टूगेदर, वी टॉक ऑफ मेन एंड मेटेरियल रिसोर्सेज, वी टॉक ऑफ कलेक्टिव कोऑर्डिनेटिव एफर्ट्स एंड वी टॉक ऑफ ए प्री डिटरमिंड ऑब्जेक्टिव विच इज टू बी अचीव्ड। सो प्रशासन को अगर परिभाषित करना हो व्यापक अर्थ में तो कह सकते हैं प्रशासन मानव और भौतिक संसाधनों का एक संगठन और प्रबंध है जिसका प्रयोजन किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना है। जैसा पीफनर का डिफिनेशन देखा होगा या फिर आप लूथर निग्रो का परिभाषा देखा होगा, ठीक उसी प्रकार परिभाषा। देयर इज नो कन्फ्यूजन, समझ में आया आपको। जैसे हम लोग जो प्रशासन बोलते हैं तो इसमें दो चीज होता है, एक हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं उसके प्रकृति में आता है कि व्हेन वी टॉक ऑफ प्रशासन हमारे को परिभाषित करें टॉपिक का यस। तो जब हम लोग प्रशासन बोलते हैं तो इसमें दो संदर्भ में इसको हम लोग समझ सकते हैं, एक व्यापक संदर्भ में और एक क्या होता है संकीर्ण संदर्भ में या संकुचित संदर्भ में। हमारे एक को व्यापक अर्थ में जिसको हम लोग एकीकृत कह सकते हो और इसको हम लोग प्रबंधकीय कह सकते हो। जब हम प्रशासन बोलते हैं तो दो अर्थ में ले सकते हैं, एक प्रशासन जब व्यापक अर्थ में लेते हैं तो कहते हैं कि प्रशासन में निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जितने भी क्रियाकलाप प्रयुक्त होते हैं सब प्रशासन का ही हिस्सा है। और जब हम संकुचित अर्थ यानी प्रबंधकीय संदर्भ में लेते हैं तो प्रशासन के बारे में समझते हैं कि प्रशासन के अंतर्गत केवल वही कार्य सम्मिलित होता है जो दूसरों से कार्य लेने में प्रयुक्त होता है, यानी दूसरों से कार्य लेकर जो लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित किया जाता है उसी को प्रशासन कहा जा सकता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए, सपोज ये डायग्राम है, इसे मैंने आपको बताया ये सब बहुत सारे लेयर है, समझ रहे हैं, ये भी लेयर है। तो अगर मैं कहूँ ये प्रबंधकीय कार्य ले लो, ये वित्तीय कार्य ले लो, ये लिपिकीय कार्य ले लो, लिपिक मतलब समझते हो क्लर्क की क्लरिकल एक्टिविटी, ये शारीरिक क्रियाकलाप ले लो, सब ले लो, तो ये एकीकृत विचारधारा में सब सम्मिलित हो जाते हैं ऑल कंसीडर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब आप एकीकृत प्रबंधकीय विचारधारा बोलते हो तो प्रशासन के हम लोग केवल प्रबंधकीय कार्य को सम्मिलित करते हैं और दूसरे एक्टिविटी को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो यह संकुचित हो गया। इसको आप प्रबंधकीय विचारधारा ले सकते हो और इसको क्या कह सकते हो, एकीकृत विचारधारा ले सकते हो। ये दोनों विचारधाराएं प्रशासन को समझने में प्रयुक्त हो सकते हैं, यानी प्रशासन को हम दो अर्थ में समझ सकते हैं, संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। प्रशासन को हम जब संकुचित अर्थ में लेते हैं
तो केवल और केवल वैसे मतलब क्रियाकलाप को लेते हैं जो दूसरों से निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्ति में प्रयुक्त होते हैं, और जब व्यापक अर्थ में लेते हैं तो प्रशासन के अंतर्गत उन सभी क्रियाकलापों को लेते हैं जो निर्दिष्ट लक्ष्य के प्राप्ति में प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू व्हेन वी टॉक एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट और नैरा वर्क पर्सपेक्टिव वी टेक ओनली दोज एक्टिविटी विच आर यूज टू गेट वर्क डन बाय अदर्स सिंस इट इज द मैनेजर हु गेट्स वर्क डन बाय अदर्स, इसलिए हम लोग इसमें केवल मैनेजरियल एक्टिविटी को लेते हैं। इसके विपरीत जब हम एकीकृत विचारधारा यानी प्रबंध व्यापक विचारधारा कहते हैं तो प्रशासन के अंतर्गत उन सभी क्रियाकलाप को लेते हैं जो निर्दिष्ट लक्ष्य के प्राप्ति में प्रयुक्त होते हैं, से मैनेजरियल फाइनेंशियल टेक्निकल क्लेरिकल मैनुअल ऑल विल बी इंक्लूडेड अंडर ब्रॉड डोमेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन मोटा मोटी आपको समझ में आया कि प्रशासन अगर इन जनरल आपसे कोई पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, प्रशासन एक व्यापक कंसेप्ट है, एक ब्रॉड अवधारणा है और इसके अंतर्गत हम संरचना प्रक्रिया और व्यवहार को लेते हैं, इसके अंतर्गत हम संगठन और प्रबंध दोनों को लेते हैं, इसके अंतर्गत हम मानव और भौतिक संसाधन दोनों को लेते हैं, इसके अंतर्गत हम सामूहिक क्रियाकलाप पर विचार करते हैं जिसका प्रयोजन क्या होता है, किसी निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो एक प्रशासन का एक मोटा मोटी अर्थ आप समझ सकते हो, और ज्यादा अच्छा है कि उसमें एक दो डिफिनेशन जो स्कॉलर्स दिए हैं उसको देख सकते हो, जैसे लूथर गुलिक ने दिया है, एल डी वाइट ने दिया है, चाहे निग्रो ने दिया है, फीफनर ने दिया, एक दो डिफिनेशन आपको समझना चाहिए जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट पर आता है तो वो जानने से अच्छा होता है उसको समझना। और दूसरे संदर्भ क्या हुआ, अब जरा हम लोग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ लोक, जब हम लोक प्रशासन लोक बोलते हैं तो लोक का मतलब क्या होता है बताया जाए, लोक का मतलब होता है, इफ यू टॉक ऑफ लोक इन जनरल, मतलब लोक का व्यापक अर्थ होता है एक से अधिक व्यक्ति अथवा समूह। व्हेन यू टॉक ऑफ पब्लिक वी टॉक ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल और ग्रुप, जब हम लोक का अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि व्यक्तियों का समूह होता है, समझ रहे हैं। लोक को हम लोग यानी कि बहुत सारे संदर्भ में अलग अलग अर्थ में भी ले सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोक को ले सकते हो, जैसे समाज शास्त्र में लोक का संदर्भ होता है, समाज हुआ, संस्कृति हुआ, सभ्यता हुआ, जैसे आप लोक गीत बोलते हो, जो पारंपरिक गीत होते हैं, जो क्षेत्रीय गीत होते हैं उनको हम लोक गीत कहते हैं। दर्शन शास्त्र में अगर आप ले लो तो लोक का अर्थ स्वर्ग लोक, नरक लोक, पृथ्वी लोक वगैरह को समझाने के लिए किया जाता है। राजनीति विज्ञान में लोक का अर्थ यहाँ पर समान अर्थ में सरकार होता है, क्लियर, और सरकार के बहुत सारे जो तीन ऑर्गन है वो होते हैं, समझ रहे। और जब इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, लोक का मतलब हुआ एक से अधिक व्यक्ति अथवा समूह। लेट मी समराइज द थिंग्स, व्हेन वी टॉक ऑफ पब्लिक इट इज वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, गेटिंग अ पॉइंट, जब हम पब्लिक बोलते हैं तो ब्रॉड कंसेप्ट है, इट इज यूज इन सेवरल डिफरेंट कंटेक्स्ट या विद विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होता है, जैसे मैंने बताया इन फिलोसफी इट रेफर्स टू कॉस्मोस, फिलोसफी में या दर्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, समाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ब्रह्मांड के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में इट स्टैंड फॉर सोसाइटी कल्चर एंड सिविलाइजेशन, समाज शास्त्र में यह समाज सभ्यता संस्कृति इत्यादि के लिए इस्तेमाल होता है। इन पॉलिटिकल साइंस इन स्टैंड फॉर गवर्नमेंट इन जनरल, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान में यह समान तौर पर सरकार के लिए प्रयुक्त होता है और उसके तीन ऑर्गन के लिए प्रयुक्त होता है। लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, एक से अधिक व्यक्ति अथवा समूह। लोक शब्द के बहुत सारे पर्याय हैं, इट इज ऑल्सो इट हैज सेवरल सिनोनिम्स, समटाइम इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल, समटाइम इट इज कॉल्ड पीपुल, समटाइम इट कैन बी टर्म्ड एज सिटीजन, समटाइम इट कैन बी टर्म्ड एज इंडिविजुअल एक्सेट्रा। हिंदी में इसको कई पर्याय हैं, जैसे इसको जन कहा जा सकता है, गण कहा जा सकता है, जनता कहा जा सकता है, नागरिक कहा सकता है। अगर दोनों को मिला दें तो लोक प्रशासन बनकर तैयार हुआ, यानी सरकार से संबंधित, सरकार के विभिन्न अंगों से संबंधित, एक से अधिक व्यक्ति से संबंधित, समाज से संबंधित, जगत से संबंधित,
जो क्रियाकलाप है उनको मैनेज करना, उनको निपटारा करना, उनसे संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करना, यही लोक प्रशासन हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता हो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी ब्रॉड टर्म, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। मैं अभी आपको बता सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि कोई भी ऐसी परिभाषा लोक प्रशासन में आज नहीं है जो जिसे आप लोक प्रशासन का पूर्ण परिभाषा कह सकते हैं। कोई परिभाषा किसी एक पद से सही है तो दूसरे पद से अपूर्ण है, दूसरे पद से सही है तो तीसरे पद से अपूर्ण है। तो कोई भी ऐसा डिफिनेशन नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि यह पूरा है। जैसे कहा जाता है कि लोक प्रशासन को दो या दो शब्दों में, दो लाइन में या दो पैराग्राफ में परिभाषित करना आपका कह सकते हैं बौद्धिकता का परिचय नहीं है बल्कि मानसिक दिवालियापन का द्योतक है। आपका पर्सपेक्टिव कितना छोटा है वो इसको दर्शाता है। तो मैं ये कह रहा था कि व्हेन यू टॉक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हेन यू टॉक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, नो डिफिनेशन इज अवेलेबल विच डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली। बट फॉर द टाइम बीइंग हम दो चार परिभाषा तो जानेंगे ही जानेंगे और समझाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे लोक प्रशासन के जनक जो है उनका डिफिनेशन तो हर स्टूडेंट को जानना ही चाहिए, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेम इज वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन का परिभाषा आप जानो ही जानो, वुडरो विल्सन की परिभाषा जान लो, फिर आप एल डी व्हाइट का परिभाषा देख लो जो उन्होंने डिफाइन किया है, फिर आप निगरो के परिभाषा ले सकते हो, तीन डिफिनेशन हो गया, साइमन का परिभाषा ले सकते हो, समझ रहे, लूथर गोलिक का परिभाषा ले सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि दो चार परिभाषा तो कम से कम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे जैसे मेरे को याद आता है वुडरो विल्सन इज डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एक्सिक्यूशन ऑफ लॉ। गेटिंग पॉइंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन विधि अथवा कानून का व्यवस्थित और क्रमबद्ध क्रियान्वयन। एल डी व्हाइट सेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स पब्लिक पॉलिसी। लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जिनका प्रयोजन किसी निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अगर आप देख लो निगरो का परिभाषा, तो निगरो क्या कहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑल ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर एक्टिविटीज। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के सभी शाखा और उनके बीच अंतःक्रिया सम्मिलित होते हैं। अगर साइमन का डेफिनेशन ले लो तो साइमन सेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल स्टैंड्स फॉर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल, प्रोविंस लेवल एंड लोकल लेवल। के समान अर्थ में लोक प्रशासन का तात्पर्य केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्थानीय स्तर पर सरकार के कार्यकारी शाखा से। उसी प्रकार अगर आप लूथर गोलिक का परिभाषा ले लो तो कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज कंसर्न्ड विद एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट वेयर एक्चुअल वर्क टेक प्लेस। लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्यकारी शाखा से जुड़ा है, जहां सरकार का काम मुख्य रूप से संपन्न होता है। क्लियर है? यद्यपि यह विधायिका और न्यायपालिका कार्यों से भी जुड़ा हुआ है, ऑल्दो इट इज कंसर्न विद लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वर्क ऑल्सो। तो दो चार डिफिनेशन आई मस्ट स्टिल टू मेमोराइज इट प्रॉपरली। जैसे लूथर गोलिक को ले लो, साइमन का ले लो, वुडरो विल्सन का ले लो, एल डी व्हाइट के ले लो, दो चार डिफिनेशन आपको कंटस्ट याद होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक अपना परिभाषा इन सब को समराइज करके आपको देना होगा, और साथ में ये भी पॉइंट आउट करना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ओपन सब्जेक्ट, नो डिफिनेशन इज सपोज टू बी कम्प्लीट वन बिकॉज इट इज एवर इवॉल्विंग। इसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, विकास होते रहता है, इसका बाउंड्री ओपन एंडेड है, इसलिए इसके परिभाषा भी ओपन ही रहता है।
इसलिए इसको शब्दों में परिभाषित करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप देखो अभी तृतीय मिंदुब्रुक सम्मेलन हुआ 2008 में, उसमें कहा गया कि लोक प्रशासन का नया परिभाषा ढूंढा जाए। उन्होंने एक परिभाषा ढूंढा भी, लेकिन वो परिभाषा इतना व्यापक और विस्तृत है जिसको मतलब समझना, उसको परिभाषित करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इस महीने में मैं आगे लेटर जो क्लास डेवलप होगा मैं उसमें बतलाऊंगा, नई परिभाषा भी आपको बतलाऊंगा। लेकिन इस बात को आप देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, वेयरसोएवर इट्स स्कोप एंड डायमेंशन आर कंसर्न। इसलिए नटसेल में आप ये कह सकते हो देयर इज नो एग्जरेशन इज सेइंग दैट इन जनरल सामान्य तौर पर पब्लिक इन स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, सामान्य तौर पर लोक शब्द यहाँ सरकार के लिए इस्तेमाल होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू मैनेज अफेयर यानी सरकार द्वारा नागरिक महत्व के कार्यों का प्रबंधन किया जाना, मैनेज किया जाना, डिस्पोज ऑफ किया जाना, इसी को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, जिसके साथ एक बड़े संख्या में स्टेक होल्डर होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, सोसाइटल डायमेंशन जुड़े होते हैं, ग्लोबल कंसर्न है, लोकल अंडरस्टैंड लोकल कह सकते ओरिएंटेशन है, और सब मिलकर एक जो फ्रेमवर्क निर्माण कर रहा है जो कह सकते हैं एक बहुत ओपन एंडेड कॉस्मोस का निर्माण करता है, जिसके तह पर जिसके कोर में अल्टीमेटली आर्टिकुलेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है, जिसके केंद्र बिंदु पर अंतोत्गत व लोकत्व की प्राप्ति, लोकहित का प्रबंधन है। तो मैं समझता हूँ आपको यह अर्थ लोक प्रशासन का हल्का फुल्का संदर्भ में भली भांति ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस मतलब इस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।